ला 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 ला। अरे आज तो कोई भी नहीं आए। जानवी तू? ओह हाय फरीदोन। इतनों दिनों बाद, क्या बात है? मैं ना जिम थी, यू नो, डाइट कर रही हूँ आजकल। अच्छा, इसीलिए तो तुम वजन कम किया है इतना। सुंदर लग रहे हो। सच में पतली लग रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। ओह गुड मॉर्निंग मैम। चलो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेती हूँ। सब आ गए मैम। अदिति। प्रेजेंट मैम। अयान। मैम। रिंकी। प्रेजेंट मैम। जानवी। यस मैम। फारिदुन। प्रेजेंट। बच्चे तो यहाँ दो ही नजर आ रहे हैं, तो ये सारी अटेंडेंस कौन बोल रहा है? लगता है आज मैं फंस गया। अब तो लंका लगने वाली है। यही अच्छा होगा कि मैं यहाँ सब फाक जाऊँ। तुम्हारी तो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सबकी यूनिफॉर्म चेक करूंगी और टेस्ट लूंगी। सब अपने कैमरा ऑन कर लो। अदिति, आपने अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? नमस्कार मैम, मैं अदिति का पापा। वो कल रात लेट सोई थी ना, इसलिए वो आज आई नहीं, तो मैं आज उसकी क्लास लेने आया। आप मेरे को पढ़ा दीजिए। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं अदिति को एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगी ना। नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा तो फिर ठीक है। चलो बच्चों अपनी नोटबुक निकालो। मैम ये बच्चे ने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? घर में बैठा हुआ है ना, इसलिए। नहीं पहनना चाहिए, मैंने भी पहना हुआ है, उसे भी पहनना चाहिए। कोई बात नहीं। मैम ये मुंह में पेन क्यों डाल रहे हैं? नहीं डालेंगे अब ये लड़की नाक में उंगली डाल रही है। आय हाय भगवान। अरे तो क्या हो गया सर? मैम जरा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए ना। हमने तो देखे कि हमारी बच्ची किससे पढ़ती है, अच्छी टीचर्स हैं और इतना अच्छा अच्छा बात बताती है आपके बारे में, तो हमने तो देखे कौन है। अच्छा आपको देखना है मुझे? वाह मैम आप तो एकदम मस्त हो, मतलब बहुत अच्छे हो आप। क्या कहा आपने? खाते क्या है आप? डाइट क्या है आपकी? बस सैलेड, नथिंग एल्स। सैलेड खाती है मोटी। पर फिगर तो आपका बढ़िया लग रहा है मैम। अबे ओए, वो मेरा फिगर है, तू मत देख। मैम सिर्फ मेरी है। थैंक यू। अच्छा मैम वैसे आपका एड्रेस कहाँ है, आप रहते कहाँ हैं? अबे एड्रेस तो छोड़ दे। मेरा एड्रेस? हाँ बताइए ना, मैं कभी आऊँ आपसे मिलूं, थोड़ा सा बच्चों के बारे में बात करें। अभी देख रहे हैं ये क्या चल रहा है? पता नहीं है ये क्या चल रहा है, अभी बताती हूँ। वैसे आप कहाँ रहते हो पापा? अरे आपकी बेटी आ गई। ओह अदिति आ गए। अदिति बेटो तू तो। बच्चों सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ जी मैडम। मैम यार कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। यस मैम। कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। अरे मैम पहले पढ़ा तो लो। ये आवाज कैसी है? ऐसा लगता है मैडम सिलेंडर फट गया है कहीं का। मैम शायद ये गोपाल के माइक से आई है। गोपाल? नहीं नहीं मैम, वो मैंने अपने वॉशरूम में टैप खोल रखा है ना, तो वो पानी गिर रहा है, उसकी आवाज है। अरे जूते, ये मोली का पराठा है, तू पा रहा है फिर से। अबे चुप रहे, चल अभी चल पतोरा। बच्चों चैप्टर 4 खोलो। यस मैम। ठीक है मैम। ओके मैम। बेबी मैं कैसे लग रही हूँ? अबे ये कौन आ गया बे? कैसे लगा मैं तुमको? ओह शिट, सॉरी। क्या चीज़ है भाई? सॉरी मैम। ये क्या क्या था अभी पीछे? मेरा फ्रेंड था, सॉरी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। और गुरुजी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम सर जी। तो अपनी बुक्स खोल के रखो, चैप्टर नंबर 6 खोल के बैठो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। अरे गुरुजी बुक खुली पड़ी है, आप पढ़ाना चालू करो। ठीक है सर। हेलो श्वेता, कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ। तुमको पता है श्वेता, मेरी ना वो लड़का याद है राहुल, जो बहुत शर्माता था, किसी से बात नहीं करता था। आदिति तेरा माइक ऑन है यार, बंद तो कर ले कम से कम। अरे चुप कर और सुनने दे, आगे क्या हुआ बता। हाँ वो ना तो ना उसकी सेटिंग है एक, उससे ना बहुत प्यार करता है और तुझे पता है वो लड़की ना उसको यूज भी करती है, फिर भी उसके साथ है। उस लड़के ने खुद बताई मुझे। तो बच्चों निकालो चैप्टर नंबर 6। तुझे पता है ना उस लड़की के साथ क्या क्या किया? ओए आदिति जल्दी क्या बोल रही है तू, ये पागल हो गई है क्या? अरे अम्मा माइक बंद कर ले, बाद में सुना लियो अपनी प्रेम कथा। ये सब किया ना, और उसने बट अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, मुझे पता है। अब तो 110 लोगों को पता चल गया बेटा। तो समझ रही है ना? हाँ हम समझ गए हैं। तो कितनी अच्छी है जो तेरे को बताया होगा। मैं कैसी होंगी जो उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट करके बताया है। ये क्या हो रहा है, किसका माइक चल रहा है? ऑफ करो अपना माइक। और मुझे तो समझ नहीं आता वो, और ना वो तो वैलेंटाइन डे के दिन पूरे दिन एक साथ थे। हाँ कमरे से तो भारी नहीं निकल रहे थे। और क्या हुआ सुनाओ, दिल तरक रही है, बताओ। तुझे पता है ना वो लड़की बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी, समझ रही है ना किस चीज की? बेटा चैप्टर नंबर 6 खोलने के लिए बोला है, माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करो। हाँ समझदार है तू। और मेरे को समझ नहीं आता ये लोग करते कैसे होंगे। मेरे को बड़ी शर्म आ रही है। सही आदिति है सर। और तो वो लड़की ना, और जब भी मिलती थी बहन, जब भी मिलती थी उस लड़के को फोर्स करती थी। भाई लड़के का मन नहीं है, कुछ हो नहीं रहा उससे, फिर भी चाय देखते थे। जरा उसको मेरे पास भिजवाओ ना, मेरा नंबर लिख दे 9219212222। समझ नहीं आता बेचारा लड़का कितना परेशान था, पर खुश भी है उसके साथ। ये बात मैं तुझे बता रही हूँ क्योंकि तू मेरी दोस्त है ना। अरे भाई कोई से फोन मिलाओ, बोलो उसे अपना माइक ऑफ करे। और ना तू किसी और को मत बताइयो, बेचारे की बातें सीक्रेट रखेंगे, ठीक है? हाँ बट मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार, वो पहले बता रहा था कि सर पे किस करा, फिर पता नहीं कहाँ का। हे भगवान। अरे दीदी और बताओ, एड्रेस का है उसका, कहाँ रहते है उसका, पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ मेरे को। तू भी ना यार, क्या ही बोलूं, कैसी अच्छी हो, एक नंबर की। एक्शन। तो गाइस ये मैं था, यह हमारा वीडियो था और यह हमारा वीडियो हो रहा था। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये गाइस ये हम है, ये हमारी टीम है और ये हमारा थोड़ा सा ढोलक है। आप इसको बजा सकते हो। बोलना तेरा चैनल खाली, बोलना क्या करना। हाँ तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बताओ कौन आपके फेवरेट था और कौन था, किसका एक्टिंग बढ़िया था, और उसके नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। चल गया सब चले गया, मेरे नाम लिख दो ना, ठीक है? हम कर देंगे तेरे साथ, हम कर देंगे तेरे साथ।